नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊँ आपके सामने थ्योरी ऑफ मशीन्स बाय एसएस रत्तन, मैकग्रा हिल की ये पब्लिकेशन से ली गई है। फिफ्थ एडिशन है जो अब तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसके बाद सिक्स्थ भी आ चुका है, लेकिन उसमें इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, बाकी सब सेम है। आज हम इसका शॉर्ट रिव्यू करेंगे, बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये आपको लगभग लगभग 535 से लेकर 600 रुपए तक की देखने को मिल जाती है मार्केट में। अगर हम बात करें इसके अंदर के मटेरियल की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ पेजेस की। तो इसमें आपको केवल नंबर ऑफ पेज देखने को मिलते हैं 862 पेजेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके अंदर मटेरियल की, तो फिफ्थ एडिशन है ये एस एस रत्न द्वारा लिखी गई है, जो फॉर्मर प्रोफेसर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा के। चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट्स की, क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको चैप्टर की बात करें, मैकेनिक्स एंड मशीन्स, वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सेलरेशन एनालिसिस, कंप्यूटर एडेड एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म, ग्राफिकल एंड कंप्यूटर एडेड सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म, लोअर पेयर्स, कैम्स, फ्रिक्शन बेल्ट्स, रोप्स एंड चेन्स, गियर्स, गियर ट्रेन्स, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, बैलेंसिंग ब्रेक्स एंड डायनोमीटर्स, गवर्नर्स, जायरोस्कोप्स, वाइब्रेशंस और ऑटोमेटिक कंट्रोल। ये चैप्टर आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इन चैप्टर के अंदर कौन कौन सी हेडिंग है, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सबसे पहले, उसके बाद इनके अंदर के कंटेंट्स आप देख सकते हैं। अगर एक एक मैं यहां पर नाम लूंगा हेडिंग का, पॉइंट का, तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जिसको देखने में आपको भी थोड़ी बोरिंग होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। आप पूरे पेज का, दोनों पेज कवर हो चुके हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से इसके अंदर कवर हो सकते हैं आपके टॉपिक्स। सेम यहां पर, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर। अब बात कर लेते हैं प्रीफेस की। प्रीफेस में ये किसको टारगेट करके, किस ऑडियंस को टारगेट करके ये बुक लिखी गई है, और आपको बता दें कि ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है। जो बच्चे SSC GA की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जो बच्चे ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बड़े कमाल की बुक है। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत फेमस बुक है। SS रत्न के नाम से बुक मिलती है, बहुत ज्यादा फेमस है। अगर थ्योरी ऑफ मशीन्स में सारी बुक्स की हम बात करें, तो ये बुक सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा अच्छी भी है। क्यों अच्छी है थोड़ा आपको अभी पता चल जाएगा इसमें। तो यहां पर फीडबैक का भी आपको ईमेल दिया गया, अगर इसमें कोई आपको त्रुटि मिलती है बुक के अंदर, तो आप मेल कर सकते हैं, मेल छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका जो रेस्पॉन्स है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें एडिटिंग की जाएगी। बात करते हैं पहले चैप्टर की। चैप्टर को किस तरीके से डिजाइन किया गया है चलिए देखते हैं। मैकेनिज्म एंड मशीन्स, सबसे पहले आपको देखेगा कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके, ये पॉइंट्स कवर कराने हैं। यानी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे, तो आप इन सबको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे आप डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ये सब पॉइंट स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या आप कवर करने वाले हो, वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। आगे आप चलेंगे तो यहां से पहली हेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैकेनिज्म एंड मशीन्स। इस हेडिंग में एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, इसके बाद रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडीज, लिंक, काइनेटिक पेयर्स। मतलब हेडिंग के साथ साथ यहां पर बहुत छोटी छोटी थ्योरी दी गई है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी छोटी थ्योरी दी गई है और आपको बड़े बड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे या आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप सिंपली जो मेन फैक्ट्स है उनको इंक्लूड किया गया है, सब कुछ कवर किया गया है, बहुत कम शब्दों में इनको सजाया गया है। साथ में डायग्राम्स भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम्स यहां पर देखने को मिलते हैं आपको। आगे चलते हैं, सेम छोटी छोटी हेडिंग्स है और डायग्राम्स है, जिससे कि इसके बाद हम बात करते हैं। जैसे यहां पर टॉपिक खत्म हो चुका है, तो टॉपिक के खत्म होने के तुरंत बाद यहां पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल 1.1, एग्जांपल 1.2, इसके बाद एग्जांपल 1.3, 1.5, और उसके बाद अगली हेडिंग यहां पर दे दी गई है। तो बीच बीच में जहां पर जरूरी है कि यहां इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उनको बीच बीच में एग्जांपल के रूप में दिया गया है, फिर अगला जो टॉपिक है वो आ जाता है।
इसके बाद जैसे आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो लगभग लगभग आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में है वे कवर होते चले जाते हैं। लैंग्वेज बड़ी शानदार है, लैंग्वेज की जितनी तारीफ करें उतना कम है, बीच बीच में आपको रियलिस्टिक इमेजेस भी देखने को मिलती है। जैसे चैप्टर खत्म होता है तो उसकी समरी आपको देखने को मिलती है, ये बड़ी शानदार चीज है, ये फास्ट रिविजन में बड़े कारगर साबित होती है ये समरी, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है बहुत ही शॉर्ट जो शब्दों में। इसके बाद रिव्यूज क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ऐड किया गया है यहां पर, आप देख सकते हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहां पर इंक्लूड किया गया है। थोड़ा आगे चले तो यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस के लिए भी यहां पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में आपको मैचिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनके आंसर दिए गए हैं, और आंसर के बाद जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनके हिंट भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार ही चैप्टर है। तो जैसे चैप्टर का पैटर्न आपको बता दूं, सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा, चैप्टर का नेम, उसके बाद उसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले, उसको ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखने को मिलेंगे। बीच बीच में टॉपिक्स जो है वे बहुत ज्यादा इजी है, कम शब्दों में संजोया गया है, बहुत शानदार लैंग्वेज है, आप सेल्फ स्टडी से भी इसको समझ सकते हैं। बीच बीच में एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, नहीं भी जरूरी है हर एक टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल हो, जिन टॉपिक पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं वहां पर न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर के आखिर में समरी मिलेगी, फिर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बाद में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर मिलेंगे, फिर उनके हिंट्स मिलेंगे आपको। तो ये पैटर्न है एक पूरे चैप्टर का, सभी चैप्टर को इसी तरह संजोया गया है। बात करें इसके लास्ट में, तो इसके लास्ट में आपको अपेंडिक्स मिलते हैं, जैसे ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, जैसे जितने भी टर्म्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, एंगल ऑफ एक्शन, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में इनकी सबकी डेफिनेशन दी गई है, जिससे कि आप शॉर्ट टाइम में अच्छे से इसको रिवाइज कर सके। अपेंडिक्स दो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशंस एंड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, आप सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, दो या तीन पेज पे ही आपके सारे के सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। बात करें अगर हम अपेंडिक्स थ्री की, तो इंडेक्स है, कौन कौन से टर्म किस पेज पर आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी होता क्या है कोई टर्म है और वो कहीं भी देखने को नहीं मिल पा रही है, व्हाट इज दिस किसी एग्जाम में आया और वो दिस आपको किसी भी जगह नहीं मिल पा रहा है, तो आप इंडेक्स खोले, इंडेक्स में वो टर्म देखिए, उसके सामने का पेज नंबर देखिए, मान के चलो कहीं पर आपका आ गया कोई भी जैसे डेविस आ गया, डेविस का क्वेश्चन आ गया, आपको पता नहीं लगा कौन सी बुक से आया, तो आप सिंपली उस बुक के लास्ट में इंडेक्स देखिए, इंडेक्स में जाके आप डेविस ढूंढिए और 235 पेज खोलिए, तो आपको डेविस का पूरा पूरा ब्योरा यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये इंडेक्स था। तो अगर हम बात करें इस बुक की रेटिंग की, तो इसको रेटेड पर मैं रेटिंग दूंगा 4.5 की, बड़ी शानदार बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 5 में से 5 रेटिंग क्यों नहीं मिली, तो रीजन है इसका, एक्चुअल में इसकी लैंग्वेज को इजी बताया जाता है, बहुत इजी बताया जाता है, लेकिन कुछ टर्म्स इसमें ऐसी यूज हो जाती है कभी कभी जो एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं समझ पाता, उसके लिए उसे यूट्यूब की आवश्यकता पड़ती है, ऑनलाइन वीडियोस की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर उन डिफिकल्ट टर्म को अभी थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देते लास्ट में, जैसे कोई टर्म है और उसको लास्ट में नीचे छोटा सा बॉक्स बना के स्टार लगा के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे है क्या, तो शायद सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें बुक्स के रिव्यूज हो, जिसमें आपकी कोई भी बुक ना छूटे, चाहे आप किसी भी फील्ड में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।